हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑटोमेटिक सीरियल नंबर कैसे फिल करें। तो देख लीजिए, यहाँ पे जैसे कुछ नाम है, जैसे मैं नेम ले लेता हूँ, एनी नेम, चल डेज ले लेता हूँ। डेज लेने में सबसे अच्छा भाई ये फ़ायदा है, जैसे डेज आप लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे, और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, सॉरी। तो मैंने जूम एप्लीकेशन एक जगह रख रखा, तो उसको जूम कर देता हूँ फटाक से। ये हो गया, जूम एप्लीकेशन ले लिया मैंने और इसको मैंने कर दिया बड़ा, ठीक है, ताकि अच्छा। अब डे ले लिया हमने, यहाँ पर लिखेंगे एस यू एन सन डे वाई संडे। अब जैसे ही हम इसको ड्रैग करेंगे तो अपने आप संडे मंडे ट्यूजडे हो जाएगा, जैसे भी होना है। ये मतलब एक्सेल की खासियत है ये चीज़, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर सीरियल नंबर डालना है, पहला दूसरा तीसरा, तो कैसे डालेंगे? तो सबसे आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला तरीका जो है, सबसे कि आप एक लिखिए, नीचे जाइए, इक्वल टू लिखिए, इसको पकड़िए ऊपर वाले को, प्लस वन कर दीजिए। अब जैसे ही ये हो गया, अब इसको नीचे आके, सॉरी बड़ा करो, हाँ हो गया, यहाँ नीचे आइए और इसको इस तरह कंट्रोल डी कर दी। कंट्रोल डी सेलेक्ट करने के बाद जिस एरिया में, कंट्रोल डी बन गया, देख सकते हैं आप। पहला तरीका तो ये है, कंट्रोल डी हो गया, ठीक है। फर्स्ट तरीका हो गया। दूसरा तरीका बता देता हूँ, सॉरी संडे मंडे कॉपी करता हूँ मैं, देख लिया मैं कितने तरीके से करके दिखा देता हूँ आपको। पहला तरीका देख लिया आपने कि सबसे पहले हमने ऊपर एक लिखा है, उसके बाद हमने क्या करा, पहले वाले में एक जोड़ते चले गए, वो अपने आप अपने से ऊपर वाले को प्लस करता चला गया, अपने से ऊपर वाले में एक वन प्लस करता चला गया। तो ये इस तरह काम करता है। तो आप देख लीजिए फॉर्मूला फिर से, यही उसका फॉर्मूला है, वो यहाँ पर देखिए, ऊपर वाला रो फिर प्लस वन, आप ऐसे करके मार दीजिए तो भी हो जाएगा। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, इक्वल टू रो लिखिए, रो टैब, और इसको बंद कर दीजिए। जैसे अब यहाँ पे दो लिखा गया ना, आप समझ गए कि ये, जबकि मुझे यहाँ एक लाना, तो क्या करूँगा, इसमें माइनस वन कर दूंगा, बस हो गया, कंट्रोल डी कर दिए, 1 2 3 4 5 10 आ गया, ठीक है। देखिए मैंने पहला तरीका बताया है कि इससे ऐसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका मैंने बताया है रो, रो लिखिए तो भी हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा तरीका देख लेते कैसे कर सकते हैं हम, यहीं पर तीसरा तरीका है कि यहाँ पर लिखेंगे वन, ठीक है। और अब क्या करना होता है इसके लिए, कंट्रोल दबा के इस तरह आइए, फिर कंट्रोल दबा के नीचे जाइए। अच्छा, इसमें कंट्रोल काम नहीं कर रहा है फिलहाल, क्योंकि मैंने जूम एप्लीकेशन का वो जूम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कंट्रोल शिफ्ट दबा के ऊपर का बटन दबाएंगे तो एकदम से सिलेक्ट हो जाएगी, हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए एक शॉर्टकट है, यहाँ पर होम पे जाना है, ये मैं शॉर्टकट बता दूंगा, पहले देख लीजिए। होम पे जाना है, फॉर्मेट पे जाना, फिल पे जाना है, ठीक है, सीरियल में जाना है, फिल में जाने के बाद सीरियल में जाना है, सीरियल में जाने के बाद यहाँ पे है ओके कर देना है। ये देखिए भर गया एक बार से, ठीक है ना, देख सकते हैं। होम पे गए, ये मैंने पहले ही बताया लेकिन फिर भी दोबारा इसलिए बता रहा हूँ, फिल पे गए और सीरियल में गए और ये हमने कर दिया एक से लेके, बस ओके करती हो गया, भर गया वो, ठीक है। अब इसी को हम शॉर्टकट से करना चाहे कैसे करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ, इसको डिलीट मार देता हूँ। तो आपको पहले एक लिखना है, उसके बाद इधर जाना है, फिर नीचे आना है, सबसे नहीं जूम जूम का काम कर रहा है एप्लीकेशन, यहाँ पर आके कंट्रोल शिफ्ट अब दबाएंगे, ठीक है। अब करेंगे अल्ट अल्ट एच एफ आई एस और एंटर, जो हमने मैंने अभी सिखाया उसका शॉर्टकट बता रहा हूँ। अल्ट देख, ऑल्ट दबाना पहले, ए अल्ट ऑल्ट ऑल्ट एच, उसके बाद एफ आई, फिर एस, फिर उसके बाद है एंटर, ठीक है। ये शॉर्टकट ये है इसका, ये देख सकते हैं, पहले ऑल्ट दबाएंगे, फिर एच दबाएंगे, एफ आई दबाएंगे, एस दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, ये आपको एकदम से याद हो जाएगा। कुछ दिनों काम करने लग जाएंगे तो एकदम से आपको बहुत छोटा सा ये लगेगा, अभी बड़ा लगेगा शुरू शुरू में। और ये मेरा जो चैप्टर है कौन सा है मुझे नहीं पता, मैं देख लेता हूँ कौन सा चैप्टर पर मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, तो मैं एक बार सीरीज़ में चलता हूँ अपने। ये मैं बना रहा था वीडियो, कौन सा चैप्टर है मुझे खुद नहीं याद है, तो मैं शायद तीसरा चैप्टर है ये मेरे ख्याल से। तो अगर आपको एक्सेल सच में सीखना है तो प्लीज़ शुरू से चेक वो देखिए मेरे सारे वीडियो, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जा रहा हूँ, तो आप सब सीखते चले जाएंगे। तो मैं देख लेता हूँ कौन सा चैप्टर कौन सा लास्ट में डाला था, मुझे खुद याद नहीं रहता, रुजा। हाँ तो 27वां था, तो ये 29वां 28वां चैप्टर हो गया ना, तो ये 28वां चैप्टर है, 28
क्लास है। तो अब जीरो लेवल से देखिए, आपको सब कुछ धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाए। तो मैं इसको फिर से दिखाता हूँ करके। अल्ट से ऊपर गए, अल्ट एच आर आई एस एंटर, ये मेरे को शॉर्टकट याद हो गया इसलिए करा। बाकी मैं एडवांस लेवल का भी ऑटोमेटिकली फिल दिखाऊंगा, लेकिन ये आप तीन तरीके का मैंने दिखाया है जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आया होगा। तो आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं अगर आप नए एक्सेल सीखने के एक्सपर्ट हैं। तो मैं यहाँ से कई हज़ार, मेरा प्लान है कि 1000-2000 तक मैं वीडियो चढ़ाता चला जाऊँ, और ताकि मैं जो भी बंदे एक्सेल सीखना था पूरी तरह सीख सकें। छोटे छोटे लेवल का छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके कम से कम मेरा सपोर्ट करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा चैनल, और लाइक करेंगे तो मेरा ये वीडियो फैलेगा। तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, शब्बा खैर, अपना याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।